और इस वक्त एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, न्यायधानी बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर सिविल लाइन थाने की डायल 112 की गाड़ी बदमाश ले उड़े हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सिविल लाइन थाने की डायल 112 की गाड़ी बदमाश ले उड़े हैं और शहर में घूमने के बाद जूनी लाइन में गाड़ी छोड़कर बदमाश भाग गए हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डायल 112 की गाड़ी को बदमाश लेकर उड़ गए हैं और महाराणा प्रताप चौक के पास गाड़ी खड़ी कर चाय पी रहे थे पुलिसकर्मी। शहर में घूमने के बाद जूनी लाइन में गाड़ी छोड़कर बदमाश भाग गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में डायल 112 की गाड़ी को बदमाश लेकर फरार हो गए और शहर में घूमने के बाद गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। सिविल लाइन थाने की एक डायल 112 की गाड़ी बदमाश ले उड़े, शहर में घूमने के बाद जूनी लाइन में गाड़ी को छोड़कर बदमाश भाग गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर चाय पीने के लिए टपरी पर पुलिसकर्मी गाड़ी खड़ा कर रुके हुए थे, जिस दौरान यह बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुधीर, बताएं कि डायल 112 की गाड़ी को पुलिसकर्मियों की गाड़ी थी यह और जिसे बदमाश लेकर भाग गए, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र का जो गाड़ी 112 डायल 112 जो गाड़ी है उनका पॉइंट लगा हुआ था महाराणा प्रताप चौक के पास, और पॉइंट पे जब आरक्षक और जो ड्राइवर है 112 के उनके द्वारा वो चाय पीने चले गए थे और गाड़ी पर ही चाबी छोड़कर चले गए थे। इसी दौरान एक बदमाश आया और गाड़ी जो 112 गाड़ी है उन्हें लेके चला गया, और उसके बाद पूरे दिन भर उन्होंने शहर में घूमी। उसके बाद फिर एक लवारिस हालत में 112 का गाड़ी जूना लाइन में होने की सूचना मिली पुलिस को, जिसके बाद से पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया। फिलहाल अज्ञात युवक के खिलाफ मामला सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया है और अभी फिलहाल जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन थाने का ये कहना है कि कुछ ही देर बाद जो आरोपी है उनका यहाँ निशाक्ति कर ली जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और साफ तौर पे जो पुलिस है वो अभी सीसीटीवी फुटेज पूरी खंगाली जा रही है उनके द्वारा। जी जी सुधीर, बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर डायल 112 की गाड़ी को बदमाश लेकर फरार हो गए और पूरे शहर में घूमने के बाद चक्कर लगाने के बाद वो गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी चाय पी रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ है और बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं।